हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की टाइपिंग स्पीड है 45 शब्द प्रति मिनट। टाइपिंग शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अभियुक्त गण के विरुद्ध दिनांक 19/5/2013 की दरमियानी रात 9 बजे DRP लाइन बड़वानी के अंतर्गत फरियादी उषा के पति एवं पति के नातेदार होते हुए अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर एक राय होकर फरियादिया को गाली गलौज कर कौमा मारपीट कर कौमा जान से मारने की धमकी देकर तथा शारीरिक कौमा आर्थिक कौमा मानसिक रूप से क्रूरता कार्य करने तथा फरियादिया उषा से दहेज में 1,00,000 रुपये एवं बोलेरो जीप खरीदने की मांग करने के कारण धारा 498A सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप हैं। फुल स्टॉप पैरा लेंगे। प्रकरण में अभियुक्त गण की गिरफ्तारी के अतिरिक्त यह स्वीकृत तथ्य हैं कि अभियुक्त विनीत कौमा फरियादिया का पति कौमा अभियुक्त जवान सिंह तथा अभियुक्त शीला फरियादिया के क्रमशः ससुर एवं सास हैं। फुल स्टॉप पैरा लेंगे। अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना बड़वानी पर दिनांक 2/9/2015 को फरियादिया द्वारा लेखी आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें पति विनीत कौमा ससुर जवान सिंह एवं सास शीला देवी के द्वारा दहेज में 1,00,000 रुपये की मांग किए जाने व आवेदिका की मार्कशीट पर लोन लेकर बोलेरो वाहन खरीदने व आवेदिका कि लड़की का जन्म होने से ताना मारने मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने बाबत आवेदन पेश होने पर आरोपी गण
के विरुद्ध थाना बड़वानी पर अपराध क्रमांक 449/2015 अंतर्गत धारा 493/506/534 भारतीय दंड संहिता दर्ज किया जाकर प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा बाद अनुसंधान अभियोग पत्र संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। फुल स्टॉप पैरा लेंगे। अभियुक्त के विरुद्ध अपराध धारा 498A सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप विरचित किए जाकर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने आरोपित अपराध की सत्यता से इनकार करते हुए विचारण चाहा तथा धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत लेखबद्ध किए गए अभियुक्त परीक्षण में बचाव में साक्ष्य देना प्रकट करते हुए स्वयं को निर्दोष होकर झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया तथा व्यक्त किया कि फरियादिया विनीत के साथ रहना नहीं चाहती है कौमा इसलिए झूठ बोल रही है। पश्चात में बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की। फुल स्टॉप पैरा लेंगे। प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अभियुक्तगण एवं फरियादिया के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने के कारण राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया गया, परंतु अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध राजीनामा योग्य नहीं होने से प्रस्तुत राजीनामा आवेदन निरस्त किया गया। फुल स्टॉप पैरा लेंगे। प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न हैं कि क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 19/5/2013 की दरमियानी रात 9 बजे DRP लाइन बड़वानी के अंतर्गत फरियादी उषा के पति एवं पति के नातेदार होते हुए अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर एक राय होकर फरियादिया श्रीमती उषा को गाली गलौज कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देकर तथा शारीरिक कौमा आर्थिक कौमा मानसिक रूप से
क्रूरता कार्य की प्रश्नवाचक चिन्ह पैरालिंगिक क्या अभियुक्त गण ने उक्त घटना दिनांक कौमा समय व स्थान पर फरियादिया उषा से दहेज में 1,00,000 रुपये एवं बोलेरो जीप खरीदने की मांग की। फुल स्टॉप। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।